अब चलिए पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं और देखिए यहाँ टीएमसी का चुनावी रंग कैसे बांग्लादेशी हो गया है। जी हाँ, पाकिस्तान तो अब तक था इलेक्शंस में सचिन, अब बांग्लादेश की एंट्री हुई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के वोटरों को लुभाने के लिए बांग्लादेश के फिल्म स्टार को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया, लेकिन इस पर बीजेपी ने सवाल पूछा। सवाल ये कि क्या घुसपैठियों का वोट पक्का करने के लिए ममता बांग्लादेशी स्टार से प्रचार करा रही है। ये भी पूछा कि क्या ममता कल इमरान को भी बुलाएंगे प्रचार के लिए। ममता बनर्जी के प्रचार में बांग्लादेश का स्टार, क्या इमरान खान भी करेंगे ममता के लिए प्रचार? ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर समझिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए बॉलीवुड कलाकार को नहीं बांग्लादेशी स्टार को बुला लिया है। मंच पर खड़े ये हैं फिरदौस अहमद, बांग्लादेश के स्टार। पश्चिम बंगाल में इनकी काफी फैन फॉलोइंग है, इसीलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिरदौस को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या ममता बनर्जी कल इमरान खान को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाएंगी? जब वोटर की कम हो जाता है, इन्फिल्ट्रेटर और रोहिंगा को ले आते हैं। आज स्टार प्रचारक की कम हो गई तो वहाँ से किसी सेलिब्रिटी को बांग्लादेश से ले आते हैं। मुझे लगता है कि कल भी इमरान खान को ला सकते हैं, लेकिन इस प्रकार पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बीजेपी का ये भी आरोप है कि घुसपैठियों के वोट के लिए ममता बनर्जी बांग्लादेशी कलाकार से चुनाव प्रचार करवा रही है। ये ममता बनर्जी, उनका तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही काम कर रहा है, एक मुस्लिम वोट के लिए वोट बैंक करने के लिए और बांग्लादेश से और हीरो को लिया, बांग्लादेश का आर्टिस्ट को लेके यहाँ प्रचार कर रहा है। बीजेपी ने बांग्लादेशी कलाकार के चुनाव प्रचार की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है और इन सवालों पर बहस भी शुरू हो गई है कि क्या घुसपैठियों के वोट के लिए ममता बनर्जी बांग्लादेशी कलाकार से प्रचार करवा रही है। क्या इन घुसपैठियों के वोटों के लिए ममता बनर्जी हमेशा NRC का विरोध करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।